जय जगन्नाथ। भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बांग्ला आणि कोई मराठी आणि केटला केम छो गुजराती। तो कोई तमिल वणक्कम से शुरू करता है, तो कोई मलयाली, कोई उड़िया जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, तो कोई असमिया। भाषा कोई भी हो, लेकिन भाषा अनेक भाव एक। भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही है। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का भारतीय तरीका कभी नहीं बदलता है। और हमें मालूम है कुछ लोगों को तो आग्रह करने का ऐसा स्वभाव होता है कि नमक के लिए भी कर देते हैं। हम राष्ट्र रक्षा के लिए मिलकर खड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण में मिलकर जुटते हैं। भारतीयता सबका साथ सबका और सबका। अब देखिए घर घर बात पहुंच चुकी है और डेनमार्क में भी गूंज रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी से समृद्धि होती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार, हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी वन वर्ल्ड की अवधारणा अपनत्व पर, बंधुत्व पर, संवेदनशीलता पर, सम्मान पर टिकी है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है।